नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट नमन मनोज और आप देख रहे हैं लीगल शॉर्ट्स। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम आप तक इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। हमने जैसे कि लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि कैसे कोर्ट मैरिज की जा सकती है, तो आज हम आपको बता रहे हैं कि हिंदू मैरिज एक्ट के अधीन कैसे विवाह विच्छेद हो सकता है, यानी डिवोर्स लेने के क्या क्या ग्राउंड हैं। देखिए, डिवोर्स का जो कानून है वो 1955 में आया था, जब हिंदू विवाह अधिनियम आया था। भारत की संस्कृति में, यानी जो हिंदू संस्कृति थी, हिंदू संस्कृति में कभी भी डिवोर्स नाम का वर्ड नहीं था, या फिर सेपरेशन या जो अलग होने की बात थी वो कभी नहीं थी, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि विवाह एक जो संस्कार है हिंदुओं का वो जन्मों जन्मों तक का है और अलग होने की किसी भी तरह से बात नहीं की जा सकती। परंतु समय बदला और समय के साथ साथ इस कॉन्सेप्ट को भी लाया गया कि अगर शादी होती है तो अगर शादी के बाद अगर पति पत्नी का किन्हीं कारणों से आपस में नहीं बैठता है तो उसके अंतर्गत डिवोर्स दिया जा सकता है। तो इसके लिए सेक्शन 13 धारा 13 हिंदू मैरिज एक्ट में लाए गए एंड इसके अकॉर्डिंग हिंदू मैरिज एक्ट में डिवोर्स को दिया जा सकता है। जुडिशियल सेपरेशन और कॉन्जुगल राइट्स के रजिस्ट्रेशन की भी बात इसमें की गई है। अगर उसके ऑर्डर्स को फॉलो नहीं किया जाए तो भी एक डिवोर्स की व्यवस्था है। ये कैसे लिया जा सकता है, किन कारणों पर लिया जा सकता है, आज हम इन सबको आज इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको आज जो ग्राउंड्स बता रहा हूँ वो ग्राउंड्स वो हैं जिनको दोनों पक्ष ले सकते हैं। जी हाँ, पति के पास भी ये अधिकार है, पत्नी के पास भी ये अधिकार है, यानी पति एंड पत्नी दोनों मिलकर इस ग्राउंड को रेज कर सकते हैं जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। सबसे पहला ग्राउंड आता है एडल्ट्री का। एडल्ट्री वैसे तो अब क्रिमिनल ऑफेंस नहीं रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको खत्म कर दिया है, लेकिन आज भी इस ग्राउंड पर डिवोर्स लिया जा सकता है। एडल्ट्री का मतलब होता है कि कोई भी पति या पत्नी अपने दाम्पत्य जीवन से बाहर जाकर किसी दूसरे पति या दूसरे पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो वो एडल्ट्री कहलाता है और इस ग्राउंड पर डिवोर्स लिया जा सकता है। इसका मतलब साफ था क्योंकि कानून बनाते समय कानून बनाने वालों ने बात ध्यान रखी थी कि विवाह एक बहुत अच्छा संस्कार है, विवाह एक बहुत ही अच्छे संबंध है, तो इस संबंध को खराब ना किया जाए, फैमिली इंस्टीट्यूशन को खराब ना किया जाए, इसलिए एडल्ट्री के कॉन्सेप्ट को इसके अंदर लाया गया। दूसरा होता है क्रुअल्टी। अगर आपको मैं बताऊं तो मैक्सिमम डिवोर्स जो होते हैं वो क्रुअल्टी के ग्राउंड पर होते हैं। क्रुअल्टी दो तरह की होती है, फिजिकल एज वेल एज मेंटल, यानी शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की क्रूरता होती है। क्रूरता की बात को कानून में डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन क्रुअल्टी यानी क्रूरता को डिफाइन किया है। आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट्स ने और हाई कोर्ट के जजमेंट्स ने इसको डिस्कस किया और बताया क्या क्या हो सकता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट देखा जाए और वेरियस हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया के अगर हम जजमेंट देखें तो आप पाएंगे जैसे शारीरिक यानी किसी भी अपने पार्टनर को यानी पति या पत्नी को किसी भी तरीके से मारना, उसको कोई जख्म देना या उसको किसी की तरह से पीटना, ये सब फिजिकल क्रुअल्टी में आएगा। लेकिन अगर हम बात करें मानसिक क्रुअल्टी में तो कोर्ट ऐसा कहता है कि अगर आप किसी पार्टनर पे गलत एलिगेशन भी लगा रहे हैं या आप उसको इकोनॉमिक क्रुअल्टी भी कर रहे हैं या आप उसको टॉर्चर कर रहे हैं या उसके खाने में जहर मिला रहे हैं तो ये सब मानसिक तरह की क्रूरता में आएगा और इन सभी ग्राउंड पर डिवोर्स को लिया जा सकता है। थर्ड होता है अभित्याग। अभित्याग होता है अपने पति या अपने पत्नी को यानी अपने पार्टनर को छोड़ देना। अगर कोई भी पक्षकार यानी कोई भी हस्बैंड या वाइफ अपने पार्टनर को छोड़ देता है और अगर 2 वर्ष तक कंटिन्यूस छोड़ के रखता है तो उस ग्राउंड पे भी डिवोर्स लिया जा सकता है। इसके पीछे इसका रीजन ये होता है कि पति या पत्नी के संबंध जो होते हैं वो दोनों के साथ रहने पर होते हैं। भारत का कानून ये मानता है कि पति पत्नी दाम्पत्य जीवन को जिएंगे, लेकिन अगर 2 वर्ष तक परित्याग कर रखा है यानी उसको छोड़ रखा है तो उस ग्राउंड पर डिवोर्स लिया जा सकता है। चौथा कारण है धर्म परिवर्तन। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि हिंदू मैरिज एक्ट में सिर्फ हिंदू धर्म के लोग शादी कर सकते हैं, तो अगर हिंदू धर्म का कोई पर्सन शादी करने के बाद अपना धर्म चेंज कर देता है और हिंदू से मुस्लिम या हिंदू से ईसाई बन जाता है तो इस ग्राउंड पर डिवोर्स लिया जा सकता है। हम बात करते हैं फिफ्थ ग्राउंड की, वो होता है असाध्य रूप से विकृत छेद। अगर मानसिक रूप से कोई अस्वस्थ हो रहा है या कोई पागलपन किसी को आ गया है और उसको डिक्लेयर कर दिया गया है तो उस ग्राउंड पर भी तलाक लिया जा सकता है। सिक्स भी इससे जुड़ा हुआ है कुष्ठ रोग और संक्रमित रोग होना। अगर कोई पति या पत्नी किसी भी कोविड बीमारी से या एचआईवी जैसे संक्रमित बीमारी से पीड़ित हैं, क्योंकि ये संक्रमित बीमारी होती है और पति पत्नी का साथ रहना पॉसिबल नहीं हो पाता, इस कारण इसको भी एक डिवोर्स का ग्राउंड बनाया गया है। अब हम बात करते हैं 7 पॉइंट की, ये होता है संन्यास लेना। अगर कोई विवाह का पक्षकार संन्यास ले चुका है यानी संन्यास मतलब अपने गृहस्थ जीवन को छोड़कर संन्यासी की तरफ चला जा चुका है तो भी उस ग्राउंड पर डिवोर्स लिया जा सकता है। और होता है 8th ग्राउंड मृत्यु की परिकल्पना, यानी 7 वर्षों तक कोई पति या पत्नी गायब रहता है, जो पति या पत्नी से दूर 7 वर्ष तक उसको ना मिले उस ग्राउंड पे भी आप न्यायालय में विवाह विच्छेद की एप्लीकेशन लगा के विवाह विच्छेद करवा सकते हैं। 9th और 10th जो ग्राउंड है वो इसी कानून से संबंधित है, वो बेसिकली बात करते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की और साथ साथ बात करते हैं जुडिशियल सेपरेशन की। ये दोनों एक ही बात कहते हैं कि अगर सेक्शन 9 या सेक्शन 10 में अगर कोई ऑर्डर किया है
सेक्शन 9 ये कहता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट, और सेक्शन 10 बात करता है जुडिशियल सेपरेशन की। अगर इन दोनों में कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास किया है और एक साल तक उस ऑर्डर का पालन नहीं किया गया है तो उस ग्राउंड पे भी डिवोर्स को लिया जा सकता है। अब हम बात करें रीमैरिज की, तो रीमैरिज करने के लिए हमें ध्यान रखना होगा कि सब जब तक विवाह विच्छेद ना हो जाता आप दूसरी शादी नहीं करते। विवाह विच्छेद यानी डिवोर्स होने के बाद आपको तब तक वेट करना पड़ेगा जब तक अपील डिसाइड नहीं हो जाती। लेकिन अगर किसी पार्टी ने अगर अपील हायर कोर्ट में पेश नहीं की है तो आपको उस अपील की लिमिटेशन पीरियड तक वेट करना पड़ेगा। यानी अगर अपील नहीं हुई है और अपील का लिमिटेशन पीरियड खत्म हो चुका है देन ओनली इन दैट कंडीशन आप दूसरी शादी कर सकते हैं, तब तक आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। हमें पूरा विश्वास है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार मिलेंगे फिर किसी नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।